गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बन रहे हैं पायल के लिए कोफ्ते घिया के, और आज है दिन थर्सडे, मेरा है व्रत। लेकिन पायल को घिया के कोफ्ते खाने थे, वो रात बोल रही थी कि मम्मी बना दो, तो मैंने रात नहीं बनाई क्योंकि केवल वो ही खाती, और आज मेरा व्रत हो गया। अगर मैं आज भी नहीं बनाती तो कल फिर मेरा व्रत है, कल अष्टमी है, तो मैंने सोचा है चलो आज बना लेते हैं, बच्चा है, इच्छा हो रही है उसको खाने की। तो ये आप देख गया कि मैं उसके लिए कोफ्ते बना रही हूँ। गेहूं से आधा तो मैंने कल उबाल लिया था, आधा जो ये रखा था इसके मैं अभी कोफ्ते बना रही हूँ। आप भी आ जाना कोफ्ते खाने के लिए। ये मैंने ऐसे ही कस के और इसमें बेसन और नमक मिर्च डाल लिए हैं, पेस्ट बना लिया है, और ऐसे चम्मच की मदद से मैं इसको कढ़ाई में डाल दी हूँ। देखती हूँ सारे एक साथ आ जाएंगे, तो क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े ही बनेंगे, तो जितने बना दूंगी कि इसका काम चल जाएगा, अब भी खा लेगी और बचेंगे तो शाम को भी सही खा लेगी, क्योंकि आज मैं नमक नहीं खाऊंगी तो अब शाम को मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी इसके लिए, क्योंकि अब ये कोफ्ते काफ़ी हैवी हो जाते हैं। अब ऐसे कोफ्तों को ना बिना तले भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं बिना तले बना देती तो ये लड़की बिल्कुल नहीं खाएगी। हमारे घर में सबसे ज्यादा टेस्ट का इसको पता है, सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा हो या कम हो कोई नहीं बोलेगा घर में, और ये सबसे पहले बोलेगी अरे मम्मी सब्जी में नमक नहीं था या ज्यादा हो गया था, आपने इतना डाल दिया। और कई बार मैं औरों से पूछूंगी आपको भी लगा, तो वो कहेंगे नहीं ठीक है। और इसको मैंने इतने बनाए थे कि एक ही बार में सारे आ गए हैं, देखो कढ़ाई में, और मैं इन्हें तल रही हूं। पहले थोड़ा सा ऐसे ही हिला लूंगी ताकि सब पे लग जाए आराम से ऑयल, और ज्यादा ऑयल मैंने चढ़ाया नहीं है क्योंकि थोड़े ही बनाने थे, तो इसलिए ये ऐसे ही बन जाएंगे सारे आराम से। थोड़ा ज्यादा फ्राई कर लूंगी थोड़ी देर के लिए, हो जाएंगे आराम से। और ये मैंने इसमें टमाटर कट करके रख लिए है, मतलब इसमें चॉपर में, और एक प्याज कट कर लिए, फ्राई कर लेती हूँ एक मिनट में इनको। फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ मैं। जो ज्यादा तेल है उसको भी निकाल दूंगी इसमें। इसमें डाल दूंगी जीरा, थोड़ा सा हींग, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है तो इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर को मैंने चॉप करके रखे थे। पका लेते हैं थोड़ी देर इनको, डाल देते हैं मसाले, नमक थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने कोफ्तों में भी डाल रखा है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, मिक्स करते हैं नमक भी हल्दी तीनों की जो भी है, थोड़ा सा डालूंगी सब्जी मसाला। ये सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दे, आधा कप मिक्स कर देती हूँ। हाँ मसाला भुन गया है, और इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था इसमें डालने के लिए, क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा, जब पानी खदकता है उसके बाद डालते हैं कोफ्ते, तो ये पानी खदक गया है, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें।
ठंडा पानी डालते हैं ना तो काफी देर वेट करो, उसके बाद इसमें खदका पड़ता है। अब इसमें साथ के साथ खदका पड़ गया है तो अभी मैं इसमें साथ के साथ डाल देती हूँ कोफ्ते। और अभी खदक में देते हैं ना 5 से 6 मिनट के लिए, तब उसके बाद। और जी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 बजे से पहले ही लोग शुरू कर दिया था आज मैंने, और खाने की मतलब जिस टाइम खाने की शुरुआत करी थी उस टाइम से शूट करना शुरू किया है। उससे पहले सारा काम हो गया घर का, नहाना धोना बाकी चीज़ें, पूजा भी हो गई है। देखो प्रभु के दर्शन कर लो। बृहस्पतिवार को ना मुझे पूजा में लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बृहस्पतिवार की कथा भी होती है, रामायण भी पढ़नी होती है और बाकी सब पूजा पाठ भी करने होते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से करो तब भी 1/2 घंटा लग जाता है पूजा में, और बृहस्पतिवार को तो डबल कथा हो जाती है, तो इसलिए 1 घंटा तो लग ही जाता है। और रेनू भी चली गई है अपनी चाय वगैरह पी के, बस मैं सब्जी बना रही हूँ, थोड़े से बर्तन हैं, और उसके बाद आज मैं कुछ सोच रही हूँ अच्छा सा बनाने की, दिखाऊँगी आपको क्या बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी मैं ज़रा किचन का काम कर लूँ, क्योंकि किचन ना अभी थोड़ी फैली हुई है। देखो बर्तन थोड़े से रह रहे हैं मेरे, बर्तन पड़े हैं थोड़े से, क्लीनिंग भी करनी है। और देखो कोपते रहे हैं खदक। अब पायल को खाना वगैरह दे दूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फिर। मुझे बन गया खाना पायल के लिए, तैयार हो गया है। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा मक्खन, उसको मक्खन के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। ये हैं कोफ्ते, देख सकते हैं आप बिल्कुल बढ़िया बने हैं। रोटी सिक गई, चलो तो दे देते हैं पायल को। लो पायल खाना खा लो, लो। देखो मैंने पायल के लिए कोफ्ते बना दिए हैं। थैंक जी, से थैंक यू, थैंक यू। ठीक है खा लो। देखा कितनी खुश होगी कोफ्ते देख के, और केवल उसी के लिए बनाए मैंने, पर ना बच्चे खुश हैं तो सब खुश हैं, इसलिए मैंने बना दिए, कोई बात नहीं, उसका मन था तो। जी आज हम बनाने वाले हैं कुशन कवर। कुशन ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा मिल गया है, और कितने का मिला है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पहले मैं देखती हूँ इससे मैं क्या क्या बना पाती हूँ। तो बड़े कुशन कवर, छोटे कुशन कवर बनाऊंगी, और एक ये मेरे पास पिलो कवर थे पहले राउंड वाले, इनके साइड का कपड़ा फट गया था, तो उसी से मैं अभी ये कपड़ा लेके आई हूँ। एक ये टुकड़ा मेरे को 20 या 30 रुपए का मिला है, तो इससे इसके साइड के बनाऊंगी। और पहले मैं ना बड़े वाले कुशन कवर निकाल लेती हूँ इसमें से। और ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटा थिक कपड़ा है, मतलब आप ये मान के चलो आप सस्ते से सस्ते कुशन कवर भी लेने जाओगे तो भी 250 रुपये के 5 मिलेंगे आपको, उससे कम तो मिल ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने सब तरह के ट्राई कर रखे हैं ऑनलाइन भी मार्केट में भी, क्योंकि जब खरीदते रहते हैं तो पता रहता है कि क्या चीज़ कितने की मिलेगी। और जो एक जिस कुशन कवर से मैं नाप ले रही हूँ इसका, ये 20x20 के हैं, तो आपको 21x21 काटना होगा। अगर आपका कुशन 20x20 का है तो 21x21 काट लो तो वो फिट होके उतना ही बच जाता है। तो अभी मैं ये जो मैंने इसके अंदर जो गद्दी भरती रखती हूँ मैं, वो भी मैंने खुद बनाई है, तो ये 20x20 की गद्दी थी, तो उसी के मैंने इसके कुशन कवर बनाए। और इसके कुशन बहुत कवर मुझे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए मुझे ये घर में ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 20x20 का कोई नाप होता नहीं मार्केट में, बहुत कम रेयर मिलते हैं। 24x24 के मिल जाएंगे, 18x28 के, 16x16 के मिल जाते हैं, तो ये 20x20 के बहुत मुश्किल मिलते हैं। ये जो इन पे एक चढ़े हुए हैं इस समय, वो मैं मेरठ से लाई थी, वो भी तपाकन मिल गया, उन्होंने बताया कि किसी ने ऑर्डर पर बनवाए, तो इसलिए तो मैंने ये रख के जो मेरा कुशन कवर है पहले वाला, ये रख के इसी के नाप से काट लिया, और इसी के नाप से मैं काट लूँगी दूसरे वाला। तो मेरे पास ये दो हैं, तो दोनों के कवर में सेम बना लूँगी, और ये दोनों तरफ से एक जैसे बन गए, क्योंकि ये कपड़ा इतना ज़्यादा है मेरे पास, इसमें से अच्छे से कवर बन जाएंगे, और आपकी मतलब उल्टा सीधा कुछ नहीं होगा, किसी तरफ से भी आप रख सकते हैं इन्हें। तो अभी मेरे से पायल कुछ पूछ रही थी, तो मैं बीच में रोक के पायल को बता रही हूँ कि आप ऐसे कर लो। तो ये बड़े वाले तो कट गए हैं, अभी मेरे को काटना है छोटे वाले कुशन कवर। तो ये साइड में जो कपड़ा बचा है इसी में, ये 16x16 के हैं, तो एक साइड तो मैं इनको 16x16 ही रखूँगी, और मतलब 16 रखूँगी इसकी लंबाई, और 1 इंच
जिधर मैं चैन लगाऊंगी ना उस साइड 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, 17 रखूंगी उस साइड से, क्योंकि चैन के ऊपर वो जो पट्टी सी मुड़ी रहती है, तो उस तरह मेरे को इनको मोड़ना है। तो एक साइड से 17 इंच रखूंगी और एक साइड से रखूंगी 16 इंच। तो पहले मैं कपड़े को इकसार करके काट लेती हूँ, तो इस तरह काण वाण आने का वो नहीं रहता कि भाई जब सिलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, झोल वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह मैं इधर से ये मैंने लगा लिया 16 पे निशान, और लंबाई इसकी 17 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है लंबाई में ये, और एक तरफ से 16 है, समझ गए होंगे आप। और मेन चीज़ है, आप इस तरह अपना कुशन रख कर देख लीजिए आपके कुशन की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और जिस साइड आपको चैन लगानी है उस साइड आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लें। तो इससे क्या होगा कि आपका कुशन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि नाप सबका अलग अलग होता है, किसी के कुशन छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग, कुशन के अकॉर्डिंग अपना नाप काट सकते हैं, जो भी आपका कुशन हो। तो मैंने कुशन रख के भी देख लिया और इंचज से भी नाप लिया है, तो मेरा है 16x17 का मैंने काटा है ये। ऐसे ही मैं 5 पीस काट लूँगी इसमें से, और ये कपड़ा वाकई में कभी कभी कोई अच्छी चीज़ मिल ही जाती है। मैं वैसे ध्यान नहीं देती इतना ज़्यादा मार्केट में जाकर कपड़े वगैरह पे, क्योंकि सिले सिलाई लेके आते हैं कवर तो। लेकिन कई बार जैसे निकल के जा रही थी तो मुझे ये कपड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनसे कहा, पूछा कितने का, उन्होंने ये दिया भी इतना सस्ता, तो फिर तो मैं लेके ही आ गई। मैं चलो थोड़ी सी मेहनत ही हो जाएगी, और लेकिन एक अच्छी चीज़ बन जाएगी घर में। और ये इस तरह बनाने से क्या होता है कि इस तरह के किसी और के पास नहीं दिखेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट इनका ये होता है। नहीं तो आपके पास जो है और बाजार से लिए हैं तो वहाँ से कोई और भी लेता है, तो उस तरह के मिल जाते हैं। तो इस तरह के अगर आप अपने घर में बनाते हो तो ऐसे किसी और के तरह के पास नहीं मिलेंगे। तो मेरे 4 पीस तो कट गए हैं, और पांचवा मैं इसमें से ये मैंने फोल्ड कर लिया, इसमें से काट लेती हूँ। और देखो 2 बड़े और 5 छोटे पीस इसमें से निकल गए हैं, और ये इधर साइड में जो कपड़ा रखा है ये कपड़ा बच भी गया है। इससे आप एक टेबल का रनर बना सकते हैं। देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। और अभी मेरे पास ये मैंने दिखाया था आपको, इसके गोल तकियों के कवर बनाने हैं मुझे इससे। ये पहले गोल तकियों के कवर थे, साइड का कपड़ा फट गया था, तो इसका मैं नाप ले लेती हूँ। ये है 8 इंच, 8 इंच तो इसका फिट आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उससे क्या होगा कि नेफा मोड़ने में आसानी रहेगी। और इसकी चौड़ाई है 32 इंच, तो ऐसे मैंने 8 इंच 9 इंच की वो लेके इसकी चौड़ाई इस तरह, और इसको पूरा काट लिया, क्योंकि ये तकिए के ही नाप का है, 32 इंच है इसकी। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, तो तकिए के दोनों तरफ लग जाएगा ये। ऐसा ही इसके ऊपर रख के दूसरे तकिए के लिए भी काट लूंगी मैं इसी नाप का, तो वो भी दोनों दोनों तकिए के लिए अभी एक साथ ही काट के रख लूंगी। सिलाई फिर सारी चीजों की एक साथ करूंगी, क्योंकि पहले कटिंग का ही काम निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों तकिए के लिए काट लिया, और ये डबल फोल्ड था तो इसे मैं बीच में से कट कर दूंगी। ये मेरे पास 4 पीस हो गए हैं 2 तकियों के लिए। अभी मैं आपको रख के भी दिखा देती हूँ कि हमें इन्हें सिलना कैसा है। तो जैसे ये हमारा कपड़ा है बीच में लगाने वाला, एक कपड़ा हम इसके इस साइड सिलेंगे और एक एक साइड। और अब मैंने मशीन रख लिया सिलने के लिए, और देखो कितनी सारी चैन मैं कल मार्केट गई थी तो लेके आई हूँ। और अब मैं इस चैन पे इस तरह चैन के एक साइड थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको इस तरह सिल लूंगी, एक साइड सिलना है इस तरह हमें। और चैन मैंने पहले नहीं काटी है, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर दिक्कत होती है। तो चैन मैंने ऐसे लंबी ही छोड़ रखी है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी ही मैं काट लूंगी चैन को। तो इस तरह मैंने ये पूरी सिलाई कर ली है, और ये चैन इसकी मैं इसमें लोग भी उनसे भैया से डलवा के ले आई थी एक साथ ही, बहुत सारे 10-15 लोग एक साथ ही डलवा के ले आई हूँ। और ये इतनी जितना कुशन था उतनी ही चैन मैंने इसकी ये काट ली है। और अब ये इस तरह सीधा हम रखेंगे इसको, और इसके ऊपर इस तरह रखेंगे इस कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे को, और सिलाई लगाएंगे चैन के इस साइड। तो इस तरह वो पट्टी बन जाएगी, जैसे कुशन के रेडीमेड कुशन के ऊपर पट्टी सी आती है ना, चैन दिखाई नहीं देती बाहर, तो उसी तरह ये पट्टी बन जाएगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चैन के ऊपर मशीन ना जाए आपकी, जब आप सिलाई कर रहे हो थोड़ा हाथ से मतलब आइडिया रखिए कि चैन के ऊपर मशीन ना चले। तो इस तरह आपका कुशन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो ये दोनों तरफ लग गया है, और ये पट्टी भी देखो ये इस तरह। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करके हम इस पर दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे अच्छे से। पहले मैं इसके थोड़े से किनारों पे भी अच्छे से सिलाई लगा रही हूँ, ताकि कुशन इसमें जब हम फिल करें तो ये फटे ना साइड से।
इस साइड भी लगा दूंगी थोड़ी सी सिलाई। आप अपने रेडीमेड कुशन देखा, उसे देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मतलब किस तरह का करना होता है, तो मैंने उसी तरह किया है। और इस तरह ये उल्टा करके आप चाहे तो चैन को बीच में भी रख सकते हैं और चाहे तो थोड़ी सी साइड में कर सकते हैं। और इस पे हम दोनों साइड अब सिलाई लगा लेंगे। और थोड़ी मैंने तो डबल सिलाई लगाई है क्योंकि भाई ये बाजार के तो है नहीं कि भाई आपको दोबारा दोबारा लगा, तो अब जब खुद बना रहे हैं तो एक ही बार में पक्का काम कर लेते हैं, तो ये मैंने दोनों तरफ इन पे सिलाई लगा ली है अच्छे से। अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। और ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ है, और एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। और इसका बाकी जो मैं 5 पीस हैं कल की वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि कटिंग का काफ़ी काम हो गया था, तो बाकी कल दिखाऊँगी और आपको। ये मैंने ही बनाया है और अपनी बनी हुई चीज देखो, अब इसको मैं चढ़ा रही हूँ इस पे। जब अपनी बनी हुई चीज को हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। और इस एक पीस से और कितने का लाई हूं मैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इसको मैं चढ़ा दूँ। देखो जैसे उसके ऊपर चैन के ऊपर पट्टी आ रही थी ना, ये हमारी भी चैन के ऊपर पट्टी आ गई इस तरह। चैन नहीं दिख रही है ना, और ये वो वाला कुशन है जो मैंने बनाया है। ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ऊपर कर लूँ कैमरा। और अगर अच्छा लगे तो बता देना कि कैसा लगा है, और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, ऐसा ना किया करो। अब देखो कैसा लग रहा है बना हुआ। देखो ये अभी छोटे वाले कुशन कटे हुए रखे हैं, अभी मेरे को इनको सिलना है सारों को, तो अब मैं इनको सिल लेती हूँ सबको। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसलिए आज और कुछ नहीं दिखाऊंगी। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, और कल मैं इनको आपको सबको सेट करके लगा के दिखाऊंगी सोफे पे और दीवान पे। आप बताना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।